नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री बी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ क्या है भारत और चीन सीमा विवाद की वजह। बने रहे वीडियो के अंत तक। 1960 में चीन के एक प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठुकराया था। चीन हमेशा जमीन अदला बदली की करना चाहता है सौदा। भारत के लिए बहुत अहम है तवांग क्षेत्र। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे को दबा लें कि देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LSA के बीच हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। कुछ दिन पहले ही पेंगोंग इलाके में भारत और चीन के सैनिक के बीच झड़प हुई थी। चीन ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय सेना लद्दाख के पास चीन की सीमा पर स्थित बाइजिंग और लुजिन उवान में अवैध रूप से घुसी है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा है। आए दिन खबरें आती है कि चीन की सीमा में हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुस आए हैं। भारत और चीन के बीच यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भारत और चीन के बीच कई बार सीमा को लेकर विवाद हुए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर भारत चीन सीमा विवाद क्या है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बदले अक्साई चीन पर राजी है चीन। साल 2017 की बात में जब बीजिंग के एक मैगजीन को चीन पूर्व विशेषज्ञ प्रतिनिधि दाई बिंगवांग ने इंटरव्यू दिया था, उस दौरान दाई बिंगवांग ने भारतीय सीमाओं के संबंध में कहा था कि यदि भारत चाहे तो वह चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकाल सकता है। दाई ने कहा था कि यदि भारत देश की पूर्वी छोर पर स्थित तवांग क्षेत्र को चीन को सौंपने के लिए राजी हो जाता है तो चीन भारत को पश्चिम छोर पर स्थित अक्साई चीन अपने कब्जे का हिस्सा भारत को दे देगा। दाई का यह बयान उस समय आया था जबकि आतंकी मसूद अजहर एनएनजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता और चीन पर पाकिस्तान आर्थिक गलियारों के लेकर भारत की और चीन के बीच आमने सामने थे। बात करें दाई की शर्त को तो भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी भी कीमत पर तवांग क्षेत्र को चीन को नहीं सौंपेगा क्योंकि यह क्षेत्र भारत के लिए बहुत संप्रभुता वाला क्षेत्र है। चीन ने इससे पहले भी 3 बार विवाद सीमा को लेकर इसी तरह के बेबुनियादी सुझाव पेश किए थे और भारत ने हर बार चीन के प्रस्ताव को ठुकराया है। भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने का पहला प्रयास। आपको याद दिलाते चले कि साल 1960 में चीन के प्रीमियम जेव एन लाई द्वारा ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता और अक्साई चीन पर कब्जे वाले मान्यता प्रदान की गई थी। इस अंदाज प्रस्ताव को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था। नेहरू के इस फैसले के बाद भारत की पत्नी चीन का हौसला बुलंद हो गया। हालांकि भारत ने जैसे ही विकास की रफ्तार पकड़ी तो पश्चिम सीमा को भारतीय क्षेत्र के रूप में अंकित करना आरंभ कर दिया गया और इसे ही मैकमोहन रेखा नाम दे दिया गया। इसी मैकमोहन रेखा के निर्धारण फलस्वरूप देश के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल किया गया, लेकिन चीन मैकमोहन रेखा को खारिज करता रहा। उसका कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है। भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने का दूसरा प्रयास। भारत चीन सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए दूसरा प्रस्ताव LAC+Solution था। बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत तथा चीन की मत सीमा निर्धारण के लिए खींची गई एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। इस प्रस्ताव की पेशकश उस समय की गई थी जब भारत ने तत्कालीन राजदूत AP वेंकटेश्वर और तत्कालीन चीनी प्रेमियन जेव जियांग के बीच बैक चैनल से बात हो रही थी। इस प्रस्ताव की तरह भारत ने पूर्वी क्षेत्र स्थित को यथा बने रहने और पश्चिम क्षेत्र की चीन कब्जे वाले क्षेत्र को कुछ रियायत देने की पेशकश की गई थी। भारत ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चीनी की नज़र हमेशा ही भारत के तवांग क्षेत्र पर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कभी भी जमीन की अदला बदली नहीं की जाएगी। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है तवांग? अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग भारत के लिए युद्ध दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर भारत किसी तरह से चीन के अदला बदली में तवांग को उसे सौंप देता है तो युद्ध और कूटनीतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश पर भारत की पकड़ कमजोर हो जाएगी, जिसे चीन हमेशा अपना हिस्सा बताता रहा है। दूसरे तवांग कब्जे पर आते ही चीन देर से भी अरुणाचल प्रदेश पर बाकी हिस्सों पर अपना दावा ठोक सकता है। ऐसे में तवांग को चीन को सौंपना भारत के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। इसके अलावा तवांग के बदले चीन जिस अक्साई चीन के भारत को सौंपने का पेशकश कर रहा है वो
बंजर और बर्फीला क्षेत्र होने के कारण भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता। इसीलिए अक्साई चीन को लेकर भारत कभी भी चीन से टकराने के मूड में नहीं रहता, जबकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का रुख हमेशा साफ रखता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।